So now, students, this is a new thing, whole new thing in the world of e-commerce. सबसे पहले ये समझिए कि हम डेटाबेस का रिफ्रेशर क्यों डिस्कस कर रहे हैं. वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कुछ टॉपिक्स के बाद हमने जब एक्चुअल किसी शॉपिंग ओपन सोर्स शॉपिंग सॉल्यूशन को या शॉपिंग कार्ट को जब हमने कॉन्फ़िगर करना है इवन ऑन योर लोकल होस्ट यानी आपके अपने कंप्यूटर पे या ओवर द क्लाउड या इंटरनेट के ऊपर, तो उस वक्त आपको ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेगी कि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन, रोज को ऐड कर दो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हटा दो, यूजर नेम पासवर्ड जाके चेंज कर दो, यानी कुछ रोज को डिलीट कर दो, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लो एंड सो ऑन. तो ये सारी चीज़ें आपको जब उस वक्त डिस्कस करेंगे तो यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ. तो ये बेसिकली उन चीज़ों का प्री रेक्विजिट या मैं कुछ आपको बेस बना रहा हूँ आप लोगों की कि जब ये चीज़ें आगे जाकर डिस्कस हों तो आपको उस वक्त बिल्कुल नई ना लगें. तो डेटाबेस बेसिकली क्या है, दो चीज़ें आपने दिमाग में बैठानी है, एक डेटा क्या है और एक इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है. आसान लफ्ज़ों में डेटा से मुराद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो ग्राउंड रियलिटी है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता है, रजिस्टर में मौजूद हैं या फिज़िकल फाइल्स में मौजूद हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू कंक्लूड समथिंग, यानी कुछ और चीज़ें हम वहाँ से इन्फर कर सकते हैं, अखस कर सकते हैं. ये है डेटा और ये अनलिमिटेड भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा साइज इसका बड़ा हो सकता है. दूसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को इफ़ वी गो बाय द बुक इसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा. प्रोसेस्ड डेटा ये होता है कि हमारे पास कुछ डेटा यानी कुछ फैक्ट्स स्टोर हमने किए हुए हैं, लेकिन उन फैक्ट्स में से हम अपनी मर्जी का डेटा क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ. मर्जी का डेटा फेच कर रहे हैं तो उस डेटा को जो मेरी मर्जी का है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. ये जो मैंने कहा ना कि हमारी मर्जी का क्या डेटा है, इससे मुराद है प्रोसेसिंग. अब जस्ट टू सिमुलेट दीज टू थिंग्स, जस्ट लुक एट दिस सैम्पल डेटा. मैंने बेसिकली फ्लाइट से रिलेटेड कुछ डेटा स्टोर किया है, यानी फ्लाइट की आईडी, उसका ओरिजिन यानी फ्लाइट कहाँ से जा रही है, डेस्टिनेशन कहाँ को जा रही है, किस दिन की फ्लाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये मेरा डेटा है. अब ये 5 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है और 5,00,000 भी हो सकता है. अब इंफॉर्मेशन ये किस वक्त बनेगा डेटा, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है या मेरी मर्जी का डेटा जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्लाइट डिटेल्स फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन 15 अप्रैल 2015. इससे मुराद ये है कि मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि मेरे पास डेटा कितना है, फैक्ट्स कितने हैं, 5 हैं, 5,000 हैं या 5,00,000 हैं, लेकिन मुझे उन फैक्ट्स में इंटरेस्ट है जो लाहौर से कराची फ्लाइट्स गई हैं 15 अप्रैल 2015 को. दिस इज इट. अब नीचे आपको दो रोज नजर आ रही हैं. अब ये दो रोज ऊपर वाली 5 रोज में से ही इन्फर हुई हैं, 5 रोज का ही सबसेट है. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आए वो डेटा में मौजूद ना हो. तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो डराइव डेटा में से ही होती है, लेकिन रिक्वायर्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं. रिक्वायर्ड क्या है, जो मेरा क्वेश्चन था कि मुझे सिर्फ उन फ्लाइट्स के बारे में बताओ जो लाहौर से कराची गई हैं 15 अप्रैल 2015 को, यानी बाकी जो फ्लाइट्स हैं, जो बाकी डेटा है उसको रिमूव कर दो. यानी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज फ्लाइट्स जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही. तो क्राइटेरिया बेसिकली उस प्रोसेस का नाम है जो आपके डेटा को कन्वर्ट करता है इनटू इंफॉर्मेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेटाबेस क्यों चाहिए हमें? एक तो हमने डेटा देखा, इंफॉर्मेशन देखा, अब हम देखते हैं कि डेटाबेस क्यों चाहिए. जब हम ये कहते हैं कि हमने अपने फिजिकल रिकॉर्ड्स को यानी मैनुअल रिकॉर्ड्स को हमने कंप्यूटर पे स्टोर करना है, तो डेटाबेस इज द फर्स्ट थिंग या फर्स्ट स्टेप टू स्टोर
physical record, manual records into computer. Us, yani, jo store karne ka tarika hai, physical data ko, manual data ko, computer mein, usko hum log database bolte hain. To database deal karta hai storage of data and accurate and efficient retrieval of data. Matlab, abhi jaise maine aapko abhi query dikhai thi ki main un flights mein interested tha jo Lahore se Karachi gayi hai 15 April 2015 ko. Agar is question ke answer mein mujhe wo flights bhi nazar aana shuru ho jaye jo for example Lahore se Islamabad gayi hain, to data fetch to ho raha hai lekin wo accurate nahi hai. To database ka kaam ye hai ki ek to data store kare, fetch kare, lekin accurately fetch kare. To simple crux ke database storage or retrieval ke yani computer storage and retrieval ke kaam ko handle karta hai. Ab ek hota hai database management system jisko DBMS ya RDBMS likely MySQL Oracle wagara bolte hain. Ye un softwares ka naam hai jo database create karne mein madad karta hai. यानी हमने ये तो कह दिया कि डेटाबेस के थ्रू हमने डेटा को स्टोर करना है और एक्यूरेटली फेच करना है. फाइन, अब कैसे करना है? अब हमें ये काम परफॉर्म करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है, आरडीबीएमएस डीबीएमएस की जरूरत है. तो डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस की फंक्शनैलिटी को अचीव करने में हमारी मदद करता है. इस कोर्स के अंदर हम लोग माई एसक्यूएल यूज करेंगे. जब हम अपना ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट हम सेटअप करेंगे तो हम यूं कह सकते हैं कि MySQL विल बी आवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन दिस कोर्स. नाउ तो अब हमने ये नैरो डाउन कर लिया कि डेटाबेस स्ट्रिक्टली फोकस है कि हाउ एफिशिएंटली डेटा इज स्टोर्ड. ये पॉइंट समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली रिट्रीव करना है तो ये डायरेक्टली लिंक है द वे वी स्टोर डेटा. मतलब जब हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को स्टोर करना है तो वी नीड टू डिजाइन डेटाबेस. तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआरडी इज द नेम ऑफ द डायग्राम जो जिसको हम लोग डेटाबेस डिजाइन डायग्राम बोलते हैं आसान लफ्जों में. कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने MySQL Oracle वगैरह में डेटाबेस को क्रिएट कर दिया तो हमने एट द एंड ऑफ द डे ईआरडी को क्रिएट करके यानी डेटाबेस डिजाइन को क्रिएट करके इंप्लीमेंट कर दिया है इनटू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो आने वाले कुछ टॉपिक्स में हम एक हाई लेवल पे डेटाबेस डिजाइन जो कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है ये हम एक से दो ये क्रिएट करके देखेंगे ताकि जब हम लोग शॉपिंग कार्ट में इसको यूज़ करें तो यू शुड नो कि मैं एंटिटी किसको बोल रहा हूँ, टेबल किसको बोल रहा हूँ, एट्रीब्यूट किसको बोल रहा हूँ एंड सो ऑन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रेशर ऑन डेटाबेस बेसिक्स.